हल्द्वानी में एक बार फिर एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि नीलकंठ कॉलोनी में एक घर में सड़ी गली लाश मिली। वहीं घर में लाश मिलने की सूचना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान ग्राम प्रधान ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव भाई को सौंप दिया गया है। वहीं मामले में टीपी नगर चौकी इंचार्ज पंकज जोशी ने बताया कि ग्राम प्रधान ललित मोहन नेगी ने सूचना दी कि एक घर खुला हुआ है, वहां से बदबू आ रही है, उसके बाथरूम में एक लाश पड़ी हुई है। इस दौरान चौकी इंचार्ज पंकज जोशी ने बताया कि परिवार में दो भाई हैं, माता पिता की मौत हो चुकी है। एक भाई बीते बुधवार को काम से दिल्ली गया था। बताया जा रहा है कि वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जबकि हरीश पंत घर पर ही था, जो बाथरूम में मृत अवस्था में मिला है। बताया जा रहा है कि कमरे में दो बियर और एक पौवा भी बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहली नजर से मामला शराब अधिक पीने से मौत का लग रहा है। वहीं पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम कराकर मृतक के शव को भाई को सौंप दिया गया है। साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।